यहाँ पर हम लोग भूसी नहीं मिला था तो भूसा ही जला दिए। दादा ठंडी कैसी लगती है? मजा जबरदस्त। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों खेत में, खरियान में, मकान में, दुकान में, चारपाई में, आप कहीं पर भी हो तो देखिए ठंडी। दोस्तों ठंडी इतनी ज्यादा है, 5 दिनों से आप लोग रजाई में ही होंगे और हम भी। आज इतनी ज्यादा धूप निकली है फिर भी गलन का मौसम है। देखिए भैया इतनी ज्यादा ठंडी में लोग कुछ भी जला दे रहे हैं, चाहे वो खड़ा पेड़ ही क्यों ना हो। तो देखिए इतना हम लोग भी खुद ही जलाए हुए हैं पूरा, मतलब पेड़ को काटे नहीं तो इसको सीधा काट के जला दिए ही। अब भूसी रखे हैं, मतलब प्लास्टिक से जलाए जा रहे हैं। तो और देखिए वहां पर भी जलाए जा रहे हैं, लोग जला रहे हैं। तो भैया इतनी ज्यादा ठंडक पड़ रही है देवरिया बाजार में इस वक्त है, और देखिए वहां पर भी लोग जलाए हुए हैं, काफी ज्यादा ठंडक है भाई। और थोड़ी बहुत कितने लोग रोड पर जा रहे हैं सिकुड़ते हुए। तो भैया ठंडी बहुत ज्यादा है। तो भैया हमारे बता रहे हैं ठिठुरते हुए जा रहे हैं, सिकुड़ते हुए, ठिठुरते हुए, और वहां पर भैया गर्मा गर्म कुछ बन रहा है। भैया इतनी ज्यादा ठंडी है कि लोग परेशान हो जा रहे हैं। तो चाहे हम लोग ही क्यों ना हो, चाहे हमारे दादा ही क्यों ना हो, सभी लोग जहाँ आग देख रहे हैं वहीं पर आ जा रहे हैं। चाचा हमारे देखिए भैया, मतलब भूसी नहीं मिली तो भूसा ही जला दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? कुछ भी जलना चाहिए, भूसी नहीं मिली तो भूसा ही जला दे रहे हैं, लकड़ी नहीं मिली तो पूरा पेड़ काट के जला दे रहे हैं। कुछ भी होना चाहिए लेकिन आग से सेकाई हो रही है और ठंडी बहुत ज्यादा पड़ रही है। दोस्तों कुछ लोग इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं, बाहर जा रहे हैं, मतलब आग छोड़ते ही देखिए आग चले गए थे बाहर कुछ लाने, फिर वापस से आ गए तापने। तो भैया ठंडी इतनी ज्यादा है कि लोगों की परेशानी बढ़ जा रही है, मतलब साइकिल से चले या फिर गाड़ी से, जो गाड़ी से चल रहे हैं तो उनका तो कुछ कहना ही नहीं है, वो तो कहीं सोच रहे हैं बस केवल आग जलाते हुए मिल जाए। और देखिए यहाँ पर हम लोग भूसी नहीं मिला था तो भूसा ही जला दिए। ठीक है देखिए काफी लोग देखिए दोस्तों काफी ज्यादा ठंडी है। दादा ठंडी कैसी लगती है? मजा जबरदस्त हाँ जबरदस्त है ठंडी। दोस्तों इतनी ज्यादा मतलब ठंडी पड़ रही है, लोगों को चाय भी पीने का मन कर रहा है। और देखिए यहाँ पर देवरिया बाजार में चलते चलते चलंतिका चाय भंडार आ गई है। तो यहाँ पर देखिए चलंतिका चाय भंडार, मसालेदार नमकीन चाय। तो ये ऐसे चाय वाले हैं जो कि अपना ठेला लेकर चलते चलते चाय बेचते हैं। तो बहुत लोग चाय भी पी लेते हैं। देखिए वहाँ पर बनाने वाले हैं चाय, काफी सारे लोग भाई चाय पियेंगे। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।